तो यार गाइस, आपने सांप के किस्से बहुत सुने होंगे कि सांप काट लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी में फैल जाता है और वो जहर की तरह होके पूरी हमारी बॉडी, मतलब ये मान लीजिए कि हमारी डेथ हो जाती है जिसको भी वो सांप काटता है या फिर उस जहर को जल्दी से निकाल दिया जाए। लेकिन सांप, जैसा आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो स्टोमच है, पेट है, उसके अंदर कोई ना कोई एसिड निकलता है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार यार उसमें भी, सांप में भी होता है, एक एसिड निकलता है जो कि है टीथ को, मतलब दांत और हड्डियों को तो डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन जो बाल होते हैं उनको कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और यही बात मैं आपको ह्यूमन बॉडी में भी बता दूं कि आपके अंदर गले के नीचे आपके कोई भी बाल नहीं जा सकता। आपने नोटिस किया होगा कि कभी ना कभी आपके बाल चला जाता है अंदर, लेकिन कभी ना कभी आप ये देखते हैं कि आपके मुंह में अचानक से बाल आ जाता है। तो वही कारण होता है कि जो गले होते हैं उसके नीचे आप कभी बाल नहीं जा। तो यार गाइस, आपने सांप के किस्से बहुत सुने होंगे कि सांप काट लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी में फैल जाता है और वो जहर की तरह होके पूरी हमारी बॉडी, मतलब ये मान लीजिए कि हमारी डेथ हो जाती है जिसको भी वो सांप काटता है या फिर उस जहर को जल्दी से निकाल दिया जाए। लेकिन सांप, जैसा आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो स्टोमच है, पेट है, उसके अंदर कोई ना कोई एसिड निकलता है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार यार उसमें भी, सांप में भी होता है, एक एसिड निकलता है जो कि है टीथ को, मतलब दांत और हड्डियों को तो डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन जो बाल होते हैं उनको कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और यही बात मैं आपको ह्यूमन बॉडी में भी बता दूं कि आपके अंदर गले के नीचे आपके कोई भी बाल नहीं जा सकता। आपने नोटिस किया होगा कि कभी ना कभी आपके बाल चला जाता है अंदर, लेकिन कभी ना कभी आप ये देखते हैं कि आपके मुँह में अचानक से बाल आ जाता है। तो वही कारण होता है कि जो गले होते हैं उसके नीचे आप कभी बाल नहीं जा।